हवा में उड़ान किसी जोखिम से कम नहीं। अगर उड़ान सही सलामत रही तो गनीमत है, नहीं तो जिंदगी हर पल मौत के मुहाने पर बैठी रहती है। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ ऐसे हवाई हादसे जिन्हें देखकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे। आसमान की ऊंचाइयों में रफ्तार से बातें करता एक फाइटर एयरक्राफ्ट, लेकिन तभी अचानक उसका इंजन फेल हो जाता है। देखते ही देखते उसका बैलेंस कुछ ऐसा बिगड़ा कि वो सीधे टकराता है जमीन से। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि कुछ देर पहले तक हवा से बातें कर रहा ये फाइटर प्लेन तब्दील हो जाता है बम के एक बड़े गोले में। नजरों के सामने सिर्फ और सिर्फ आग ही आग नजर आती है। एक बड़ा सा बोइंग पैसेंजर प्लेन लंबे सफर के बाद लैंडिंग की तैयारी कर रहा है। प्लेन के अंदर बैठे हैं सैकड़ों यात्री। बोइंग विमान रनवे पर करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लैंड करता है, लेकिन तभी अचानक बिगड़ जाता है प्लेन का बैलेंस। और देखिए हवाई पट्टी पर कैसे हिचकोले खा रहा है ये जहाज। वो तो खुशकिस्मती थी जहाज में बैठे मुसाफिरों की, जो उनकी जान बच गई, वरना हादसा खतरनाक हो सकता था। शहर के ऊपर एक फाइटर प्लेन रफ्तार से बातें कर रहा है, लेकिन यही रफ्तार उसके लिए लेकर आई मौत का पैगाम। जी हाँ, देखते ही देखते वो सीधे गिरा एक बस्ती पर, और फिर आग के बड़े गोले के अलावा आंखों के सामने कुछ और नहीं। दिल दहलाने वाला ये नजारा भी एक फाइटर प्लेन का ही है। रनवे पर उतरने की तैयारी में इसका भी संतुलन बिगड़ता है, और फिर पल भर में ये भी हवाई पट्टी पर हो जाता है। दो सीटर फाइटर प्लेन हवा में उड़ान भर रहा था, लेकिन अचानक उसमें लग जाती है आग, और आसमान की ऊंचाइयों में ऊपर उठने के बजाय वो सीधे गिरने लगता है जमीन की ओर। हालांकि उसके दोनों पायलट पैराशूट के जरिए बाहर निकल जाते हैं। लोग हवाई जहाज की कलाबाजी के हैरतअंगेज नजारे का दीदार करने के लिए जमा हुए थे, लेकिन पल भर में वहां होता है एक हादसा जिसमें छोटे से हवाई जहाज के परखच्चे उड़ जाते हैं, और सामने होती है सिर्फ और सिर्फ आग ही आग। एक बड़ा सा जंगी हेलीकॉप्टर जिसमें सवार है कई पैराट्रूपर्स, हेलीकॉप्टर उतरने की तैयारी कर रहा है। सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन इंजन में आ जाती है कुछ खराबी, और देखिए फिर क्या होता है। जी हाँ, हेलीकॉप्टर कई चक्कर खाने के बाद सीधे टकराता है जमीन से। अब आप ही अंदाजा लगाइए कि हेलीकॉप्टर के भीतर बैठे पैराट्रूपर्स का क्या हुआ होगा। आज तक